नमस्कार दोस्तों, तो अगर अभी इस बिग बिलियन डे सेल या फिर अमेजोन गेटिन डे सेल पे 15,000 से 16,000 के आसपास सबसे बेस्ट ऑनलाइन स्मार्टफोन लेना चाहते तो आज के दिन में आप लोगों के लिए टोटल दो सबसे बढ़िया चॉइस है। एक ऑफिशियली अवेलेबल हो चुका है आईकू Z9 5G या फिर जिसका रिबनर वर्जन है वीवो TC 5G। दोनों स्मार्टफोन आज के दिन में आपको मिलेगा एग्जैक्टली 15,999 रुपीज पे। और अगर आप थोड़ा सा फ्लिपकार्ट पे देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी पोको की तरफ से अवेलेबल हो चुका है पोको X6 5G जिसमें मिलेगा 1.5K डिस्प्ले। वो स्मार्टफोन सेल के दौरान में मिलेगा एग्जैक्टली 15,999 रुपीज पे। तो इसलिए इस वीडियो में देखें कि एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में अवेलेबल ये पोको X6 5G आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा या फिर वीवो T3 5G या फिर आईको Z9 5G ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। इस वीडियो में हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त कवर आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटल चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते तो गैजेटल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन को देख के। तो जैसे कि देख सकते हैं डिजाइन के मामले में दोनों एग्जैक्टली ऐसा है। वैसे आपको तो मालूम ही हो कि दोनों स्मार्टफोन कैसा दिखता है क्योंकि दोनों स्मार्टफोन बहुत ही पहले लॉन्च हो चुका है। अगर हम दोनों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के पीछे आपको मिलेगा टोटली प्लास्टिक का बैक कवर, मतलब जिसे हम कहते हैं पॉलीकार्बोनेट का बैक कवर। पोको का थिकनेस है 8 मिलीमीटर और वेट है 181 ग्राम। आईको का थिकनेस है 7.8 मिलीमीटर और वेट है 188 ग्राम। पोको X6 आपको टोटल 3 कलर पे मिलेगा, व्हाइट, ब्लैक और ब्लू। उसी जगह पे आईको आपको टोटल 2 कलर पे मिलेगा, ग्रीन और ब्लू। तो नेक्स्ट अगर दोनों की डिस्प्ले के बारे में बात करें, पोको पे आपको मिलेगा 6.67 इंच 1.5K 120Hz एमोलेड डिस्प्ले जिसके साथ 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 1800 nits का ब्राइटनेस, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का डिस्प्ले प्रोटेक्शन, 12 बिट मतलब जिसे हम कहते हैं 10+2 बिट डिस्प्ले पैनल और जिसके साथ डॉल्बी विजन का सर्टिफिकेशन। उसी जगह पे आईको पे आपको मिलेगा 6.67 इंच फुल HD प्लस 120Hz एमोलेड डिस्प्ले जिसके साथ 300Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 1800 nits का ब्राइटनेस, ड्रैगन टेल स्टार 2+ ग्लास प्रोटेक्शन, HDR का सर्टिफिकेशन। तो मतलब इधर अगर हम ओवरऑल बेटर क्वालिटी डिस्प्ले के बारे में बात करें, मतलब ऑन पेपर डिस्प्ले स्पेक्स के बारे में बात करें तो उस मामले में पोको ये थोड़ा सा बेटर कंपेयर टू आईको। तो नेक्स्ट अगर दोनों के CPU के बारे में बात करें, पोको पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 7A Gen 2 प्रोसेसर जो कि 4 NM पे बनाए, इसका एंड्रॉइड स्कोर है 5,93,000 के आसपास। उसी जगह पे आईको पे आपको मिलेगा डायमेंसिटी 7200 5G प्रोसेसर जो कि 4 NM पे बनाए और इसका एंड्रॉइड स्कोर है 7,14,000 के आसपास। तो मतलब देखिए चाहते कि अगर हम दोनों फोन के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो उस मामले में नो डाउट आईको होगा बेटर। नेक्स्ट अगर दोनों के कैमरे के बारे में बात करें, पोको पे आपको मिलेगा 64, 8 और 2 का रियर कैमरा जिसके साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। इसका जो 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा वो एक्चुअली ओमनीविजन की तरफ से आने वाला OV64B वाला सेंसर है जिसका सेंसर साइज है 1/2 इंच और इसके रियर कैमरा के साथ ऑब्वियसली आपको मिलेगा OIS का ऑप्शन। उसी जगह पे आईको पे आपको मिलेगा 50 और 2 का रियर कैमरा जिसके साथ है IMX882 सेंसर जिसका सेंसर साइज है 1/1.95 इंच और इसके साथ भी आपको मिलेगा OIS का ऑप्शन और सेल्फी में मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। तो मतलब देखिए सकते इधर अगर हम ओवरऑल बेटर क्वालिटी कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो पोको इधर है बेटर, लेकिन एक्चुअली मैंने इधर जो दोनों स्मार्टफोन उसे मैंने पर्सनली टेस्ट मतलब रिव्यू भी किया था। ये चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ, पोको का जो कैमरा आपको ऑन पेपर तो बहुत ही सही लगेगा लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल यूसेज के बारे में बात करें तो मुझे इधर आईको Z9 5G या फिर वीवो TC 5G का जो एक्चुअल कैमरा फुटेज वो मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगा प्राइस पॉइंट के अंदर के किसी भी कैमरे के मुकाबले। तो इसलिए मैं इधर कैमरे के मामले में नो डाउट आईको Z9 या फिर वीवो T3 को चूज़ करना चाहूँगा। ये एक्चुअली मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो नेक्स्ट अगर दोनों के वेरिएंट के बारे में बात करें, पोको का टोटल 3 वेरिएंट है, 8/256 GB, 12/256 GB और 12/512 GB। आईको का आपको टोटल 2 वेरिएंट मिलेगा, 8/128 GB, 8/256 GB। दोनों ही फोन में आपको मिलेगा LPDDR4X का रैम और जिसके साथ UFS 2.2 क्वालिटी का स्टोरेज। पोको के साथ आपको कोई भी HD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलेगा, आईको के साथ आपको मिलेगा हाइब्रिड का स्लॉट का ऑप्शन। तो मतलब इधर एक चीज़ देखिए, पोको पे आपको एक्चुअली ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज मिलेगा लेकिन कोई भी HD कार्ड का स्लॉट नहीं है, आईको पे आपको थोड़ा सा कम इंटरनल स्टोरेज मिलेगा लेकिन HD कार्ड का स्लॉट भी आपको मिलेगा। तो मतलब इधर इस वेरिएंट के मामले में दोनों स्मार्टफोन मोर और लेस सेम। नेक्स्ट अगर दोनों के बैटरी और चार्जर के बारे में बात करें, पोको पे आपको मिलेगा 5100mAh बैटरी साथ में 67W का चार्जर और कनेक्टिविटी USB Type-C। आईको पे आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी साथ में 44W का चार्जर और कनेक्टिविटी USB Type-C। तो मतलब इधर ज़्यादा बैटरी और चार्जर के कॉम्बिनेशन पे नो डाउट पोको है बेटर। और इसके बाद फाइनल अगर दोनों की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में बात करें, दोनों पे आपको मिलेगा डुअल स्पीकर,
और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। पोको पे आपको मिलेगा 3.5 इंच जैक, आईको पे ये चीज मिसिंग है। पोको पे आपको मिलेगा एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन टोटल 3 साल का मेजर ओएस अपडेट। आईको पे आपको मिलेगा एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन टोटल 2 साल का मेजर ओएस अपडेट। पोको पे आपको मिलेगा टोटल 13 5G बैंड, आईको पे आपको मिलेगा टोटल 8 5G बैंड। तो अब इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में अवेलेबल दोनों फोन के अंदर कौन सा सबसे ज्यादा बढ़िया, ये नेक्स्ट चार्ट देखने का आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि इस फाइनल चार्ट में देख सकते हैं, अगर हम 16,000 के प्राइस पॉइंट में आईको के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा बेटर क्वालिटी सीपीयू और उसके साथ बेटर क्वालिटी कैमरा कंपेयर टू पोको। लेकिन उसी जगह पर अगर आप पोको के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा बेटर डिस्प्ले, फास्टर चार्जिंग सिस्टम और 3.5 इंच जैक। तो देखिए वीडियो का मैं बस आपको ये चीज कहना चाहूंगा, दोनों स्मार्टफोन 16,000 के प्राइस पॉइंट में एकदम ठीक ठाक है। लेकिन अगर मैं इधर मेरे ओपिनियन देता हूँ, क्योंकि मैंने इधर ये दोनों स्मार्टफोन अच्छे से रिव्यू किया था, अगर किसी को मेरा पूरा रिव्यू देखना है तो आई बटन में देख सकते। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से आईको Z95G जो कि ऑलरेडी 20,000 पे अवेलेबल था, वो एक्चुअली मुझे 20,000 के अंदर का सबसे बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन लगा। क्योंकि देखिए एक स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने के बाद हमें उससे क्या क्या एक्सपेक्टेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कैमरा बढ़िया होना चाहिए, परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होना चाहिए, सिस्टम में कोई भी बग या फिर ऐसा कोई भी चीज़ होना नहीं चाहिए, और ये सब कुछ हमें आईको Z95G में देखने को मिलता है। लेकिन उसी जगह पे अगर हम पोको की बारे में बात करें, जैसे कि मैंने कहा इसी भी मैंने अच्छे से टेस्ट किया था, तो अकॉर्डिंग टू मेरा टेस्टिंग इसका जो कैमरा मुझे थोड़ा सा एवरेज लगा। इसका जो डिस्प्ले, हो सकता है कि इसमें आपको मिलेगा 1.5K डिस्प्ले जो कि सुनने में बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन अगर हम सेम प्राइस पॉइंट में अवेलेबल बाकी जो फुल एचडी प्लस डिस्प्ले अगर हम उसके साथ कंपेयर करते तो सभी का क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम। तो मतलब 1.5K डिस्प्ले या फिर डॉल्बी विजन होने का हमें ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उसी जगह पर जो आईको Z95G, अगर भी इसका कैमरा थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्मार्टफोन मेरे ओपिनियन के हिसाब से क्यों 20,000 के नीचे सबसे बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है। तो इसलिए वीडियो के आखिर मैं बस आपको ये चीज कहना चाहूंगा, अगर 16,000 रुपए मेरा बजट है और अगर मैं अपने लिए फोन लेना चाहता हूं तो मैं दोनों स्मार्टफोन के अंदर डेफिनेटली आईको Z95G या फिर जिसका दूसरा नाम है वीवो T35G मैं इसे चूज करना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ज्यादा वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है कंपेयर टू पोको X65G। तो अभी आप मुझे कम जरूर बताने कि आपके दोनों फोन के अंदर कौन सा बेटर लगा या फिर आप कौन सा लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे क्वेश्चन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, Be positive. Thank you.